हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको ये एस्पगारस और ये कार्मोना प्लांट को कैसे लगाना है, कैसे रिपोर्टिंग करना है, कैसे कटिंग से लगेगा या कैसे लगेगा बताऊंगी। तो ये मेरा एस्पगारस है। ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। इसको आप छोटा सा लगाएंगे तो ये पूरा गमला ढक देता है, हर ग्रीनरी एकदम मेंटेन रखता है। देखिए एकदम सूखा हुआ है, लेकिन इसकी देखिए लीफ कैसे ग्रीन है। आप इसको 10 दिन 15 दिन में पानी डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि ये बल्ब होते हैं, ये पानी इसमें एब्जॉर्ब रहता है, तो इससे से ये जो है अपना वाटर लेवल, इसको पानी जितना जो चाहिए होता है इसी से ये कवर कर लेता है। आप नहीं भी देंगे 10-15 दिन कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कितना खूबसूरत और कितना हरा भरा पौधा है ये। तो इसलिए जिसको ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा बिजी है, पानी नहीं दे पाएगा ज़्यादा, तो ऐसे प्लांट लगाने चाहिए उन लोगों को जो जिनको बहुत कम केयर की ज़रूरत है। तो ये मेरा देखिए लगभग 1.5 साल पुराना प्लांट है। छोटे से पॉट में इसमें मैंने लगा के रखा था, देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया था, ये इसके देखिए बल्ब ऊपर आ गए थे तो पानी डालने में भी दिक्कत होता, पानी इसमें रुकता नहीं था, एकदम बाहर निकल जाता था, देख रहे हैं पूरा ऊपर तक आ गया था ये। तो पानी डालने पे ये पानी नीचे गिर जाता था। तो हम इसको रिपोर्टिंग करने वाले थे, फिर ध्यान आया वीडियो बना देते हैं इसको। अब रिपोर्टिंग करेंगे तो इसके हम 2 गमले बनाएंगे इसी से, एक प्लांट से। तो इसको आप या तो नर्सरी से ख़रीद के लाइए एक प्लांट, या तो फिर आप जो है अगर आपके पास है तो उससे आप 2 गमले कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से इसको जो है इसको काटना पड़ता है, इसको अलग करना पड़ेगा। इसको हमें 2 भाग में करना होगा, जैसे यहाँ से हमने इसको हाफ हाफ कर दिया, इसको यहाँ चाकू से बीच से हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। इसको जड़ें से काट दीजिए। देखिए ये 2 भाग हो गए इसके, इसके बल्ब देखिए कितने अच्छे से दिख रहे हैं। तब आपका ये एक प्लांट तैयार हो जाएगा और ये दूसरा प्लांट तैयार हो जाएगा एस्पगारस का। तो इसको हम अब इस पॉट में लगाते हैं। ये कोकोपीट वाली मिट्टी लेंगे तो पॉट भी हल्का रहता है। थोड़ा से बड़े पॉट में लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी मेरे पास ये छोटा वाला पॉट है आपको दिखाने के लिए, बस मैं इसमें लगा रही हूँ। इसको आप वैसे ही लगाना है जैसे हर प्लांट हम लगाते आए हैं अभी तक। देखिए ऐसे रख के आप मिट्टी फिल कर दीजिए। हाँ, एकदम अच्छे से भर दीजिए इसमें मिट्टी, दबा दबा के, और फिर पानी डाल दीजिए। इसी तरह आप इसको भी दूसरा पॉट तैयार कर सकते हैं। मेरा मिट्टी के पॉट, इसमें हम इसको लगाएंगे। ये नीचे मैंने ये लगाया एक टुकड़ा, जैसे लगाते हैं हर प्लांट वैसे ही लगाना है। ये मेरा वाटर ऑब्जर्वर है। तो बस इसको आप इसमें रखिए और मिट्टी फिल कर दीजिए। गमला आप देखेंगे 2-3 महीना या 6 महीने में पूरा भर जाएगा, अभी तो ये खाली खाली है। आप इस तरह एस्पगारस लगा सकते हैं, कार्मोना का भी आप कटिंग करके लगा सकते हैं। देखिए अभी मेरे पास ये कार्मोना बहुत रफली बढ़ गया है, इसकी कटिंग करनी है हमें। तो हम इसको कटिंग करते हैं। पहले मैंने कई बार कटिंग करके इसको लगाया हुआ है, देखिए कटिंग करके मैंने उगाया है। अभी तो ये काफ़ी छोटा है, 2 प्लांट मैंने कार्मोना के बनाए हैं, इसको बोनसाई बनाने की कोशिश में हूँ। तो अपडेट आपको दूंगी इसका जैसे जैसे अभी बड़ा होगा, तो वैसे इसका बोनसाई बना के आपको दिखाऊंगी। अभी तो पहले इसके कटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये मेरा देखिए हार्ट शेप दिया हुआ था इसमें, तो ये इतना रफली बड़ा हो गया, हम छोड़ रखे थे कटिंग करके लगाने के लिए। इसको थोड़ा सा घना हो जाता है, थोड़ा सा घने होने पर, बड़े होने पर इसमें जो है थोड़ी मोटी स्टेम आ जाती है। तो हम
रखे हुए थे कि कोई मोटी स्टेम मिलेगी तो उसको कटिंग करके आप लगाऊंगी। देखिए एक मैंने काटा है अभी, तो इसको लगाते हैं। ऐसे ही लगाना है जैसे अभी तक कटिंग लगाते आए हैं। आप इसको कोकोपीट और सॉयल और सैंड वाले मिट्टी में लगाएंगे तो बहुत इजली ग्रो हो जाएगा। केवल कोकोपीट में लगाएंगे तब भी आ जाएगा। देखिए ये सब मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है, कोकोपीट और सॉयल है, दोनों में कोकोपीट और सॉयल है, वर्मी कंपोस्ट भी है। बस देखिए ये मेरा होगा 2-3 महीने का प्लांट है ये, 2-3 महीने नहीं 6 महीने लगभग हो गए होंगे, एग्जैक्ट हमें याद नहीं है। ऐसे मैंने कटिंग करके ही लगाया था। इसलिए आप कटिंग करके कारमोना तैयार कर सकते हैं। कारमोना का देखिए मेरा है हार्ट शेप बना हुआ है। अभी इसकी कटिंग करके, उसको हमें चाहिए था कटिंग इसका, तो इसको मैंने थोड़ा घना बड़ा होने दिया। अब इसको हम शेप देंगे थोड़ा कटिंग करके, तो उसकी हम फिर से नए नए प्लांट बनाएंगे। तो आप इस तरह कटिंग करके लगा सकते हैं कारमोना को। एस्पेगारस का तो एक ही तरीका है, आप इसको प्लांट से ही अलग करना पड़ता है। तो ये देखिए हमारा डॉगी आ गया, यह हम बाहर रहेंगे तो ये मेरे साथ बाहर ही पड़ा रहेगा। तो ये रबड़ प्लांट मेरा, मैंने इसको भी कटिंग करके लगाया हुआ है, ये भी आ गया है। देखिए नई लीफ आ रही है इसमें। रबड़ प्लांट भी कटिंग से हो जाता है, तो आप अगर आपके पास रबड़ प्लांट है तो उसको कटिंग करके आप मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे कारमोना का मल्टीपल हो गया, एस्पिगारस का कई प्लांट है, एग्लोनीमा भी आपको दिखाते। ये देखिए एग्लोनीमा, ग्रीन एग्लोनीमा है ये, इसको मैंने कटिंग करके ये वाला लगाया है। इसमें से देखिए नए नए आ रहे हैं, इसमें देखिए ये एक आ रहा है, एक ये आ रहा है, और भी कटिंग करके लगाई हूँ उसको। ये मेरा एग्लोनीमा, ग्रीन एग्लोनीमा कटिंग करके मैंने इसमें बॉटल काट के इसमें लगा रखा है। देखिए इसमें नए लीफ आ रहे हैं, दिख रहा है, देखिए नए लीफ आ रहे हैं। एग्लोनीमा बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, बस आपको इसमें पानी का ध्यान देना होता है कि पानी इसमें रुके ना, ड्रेनेज बहुत बेस्ट रहे। ये देखिए इसमें भी मैंने, देखिए ये है शैम्पू का बॉटल, हाँ इसको काट के मैंने इसमें लगा दिया। इसमें तो लीफ अच्छे से आ गई है कटिंग करके एग्लोनीमा का। आप इस तरह रेड एग्लोनीमा भी बना सकते हैं, पिंक वाला एग्लोनीमा भी बना सकते हैं, कटिंग करके बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। ये देखिए मैंने फाइकस लगाया हुआ है कटिंग करके, ये भी ग्रो हो गया है, इसकी भी ग्रोथ हो रही है। देखिए डब्बे में मैंने लगाया है। ये छोटा सा अडेनियम हमारा, ये बीज से आ गया था तो मैंने इसको ऐसे निकाल के छोटे से बॉटल में लगा दिया है। तो ये कटिंग से भी हो जाता है, इसके सीड से भी हो जाता है। अगर आपको सीड इसका लगाना है तो बारिश के समय लगाइए, केवल बालू में लगाइए तब भी हो जाएगा। बालू में थोड़ा कोकोपीट मिला के लगा दीजिए तब भी इजली हो जाता है। ये देखिए मेरा जीजी प्लांट या जेड जेड प्लांट, इसको भी मैंने कटिंग से लगाया, ये भी देखिए हो गया है, देख रहे हैं। इस तरह कटिंग वाले प्लांट्स बहुत सारे हैं जो आप कटिंग से लगा सकते हैं, एक प्लांट से मल्टीपल प्लांट बना सकते हैं। देखिए मैंने इसमें भी रबड़ प्लांट लगाया है, ये भी लगभग हो ही गया है, इसमें ग्रोथ हो, अभी ग्रीन ग्रीन है, अभी पता नहीं ये हुआ है कि नहीं, देखना पड़ेगा। तो रबड़ प्लांट इजली हो जाता है कटिंग से। आप इस तरह आप कई प्लांट हैं जो कटिंग से लगते हैं, आप कटिंग करके लगाइए। और उम्मीद करती हूँ आज आपका वीडियो ये आपको पसंद आया होगा, आपके लिए उपयोगी रहा होगा। देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय।